Hello, my very dear viewers. Wishing you and your families a very happy, joyous and healthy new year. UPI और नेट बैंकिंग है तो मस्त धमाल, बट जरा सी लापरवाही दोस्त आपको कर सकती है कंगाल. साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जानिए ऐसे राज, इमीडिएटली इनको अपनाते ही आपको खुद पर होगा नाज. और अनजाने में जो बन जाएं आप साइबर क्राइम या लॉस के शिकार, रिकवर करना है लॉस को कैसे, इस वीडियो को जरूर देखिए एक बार. सो वेलकम वंस अगेन टू रवनीत्स नॉलेज बाइट्स. व्हाइल वी ऑल स्टेप इनटू द न्यू ईयर, टुडे आई ब्रिंग यू ऑल अ शॉर्ट वीडियो ऑन अ वेरी हैपनिंग रिलेटेबल टॉपिक. सो मच सो कि अभी गुजरे साल 2023 के लास्ट वर्किंग डे 30 दिसंबर को हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी दिग्गज बैंकों के साथ एक बैठक में बयान किया है कि देश भर में फाइनेंशियल सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी पर खास ध्यान रखा जाए. तो जिस तेजी से टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी लपेटे में लेती ही जा रही है, वहीं हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स, हमारा पैसा खर्चने का स्टाइल, स्पेंडिंग, पेमेंट के तरीकों में जो बदलाव आया है, एक क्रांति सी आ गई है. डिजिटाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ UPI, जो आप अपने हाथ में रखे छोटे से स्मार्टफोन एज इन मोबाइल से ही आज पैसे का लेन देन, पेमेंट्स, रिसीट्स एंड लाइकवाइज डेस्कटॉप, लैपटॉप पर कहीं भी, कभी भी, कहीं पर भी बैठकर बिना अपनी बैंक या ब्रांच को विजिट करे तकरीबन पूरी ही बैंकिंग कर लेते हैं. तो अब ये आम बात बन चुकी है कि आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल साइबर लॉस या फ्रॉड के शिकार बन सकते हैं. प्रैक्टिकली नोबडी, नीदर मी नॉर यू इन टुडेज वर्ल्ड इज इम्यून टू साइबर क्राइम. बढ़ती हुई डिजिटाइजेशन के साथ आज ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स कहो या साइबर फ्रॉड्स कहो या डिजिटल फ्रॉड्स कहो, दीज आर शार्पली राइजिंग. सो लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट. यूपीआई और ई वॉलेट्स कि फ्रॉड से बचने के पाओ तंत्र, बायोमेट्रिक्स, फेस आईडी इनेबल कर 2FA को बना लीजिए अपना मंत्र. जी हां, ऑनलाइन स्कैम्स आर सिग्निफिकेंटली राइजिंग, स्कैमर्स आर ट्राइंग टू ट्रैक पीपल, एंड एक बार भी आपके मोबाइल का एक्सेस इन हैकर्स को मिल जाता है, सो दे ट्राई टू बार्ज इनटू योर मोबाइल बैंकिंग एप्स और यूपीआई एप्स लाइक पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एक्सेट्रा. So the easiest and the bestest way to provide an additional security to your gadget, to your mobile, is to apply 2FA, two-factor authentication. सरल भाषा में two locks, दो ताले on your finance gate. एक lock तो आप normal अपने mobile phone पर लगाकर रखते हैं. इसके अलावा आपको अपने अपने respective UPI apps like Paytm, Google Pay, Phone Pay etc. की settings पर जाना है. Mind my words. अपने मोबाइल फोन की रेगुलर सेटिंग्स पर नहीं, इन यूपीआई एप्स का जो होम पेज खुलता है ऑन योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, वहां पर सेटिंग्स में जाना है एंड देयर यू क्लिक ऑन सिक्योरिटी शील्ड और प्राइवेट सिक्योरिटी आइकॉन्स. इट विल आस्क यू फॉर एनी ऑफ द ऑप्शंस लाइक फेस आईडी लॉक, फिंगरप्रिंट या प्रिसाइसली बायोमेट्रिक्स. मेक श्योर यू डेफिनेटली ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज टू ऑप्शंस, बिकॉज हैकर चाह कर भी इस एडिशनल सिक्योरिटी शील्ड को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपका चेहरा और आपकी उंगलियों के निशान एज इन योर फेस और योर फिंगरप्रिंट्स आर एक्सक्लूसिव, विदाउट विच योर एप शैल नॉट एक्सेप्ट एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर अकाउंट. ये फीचर्स ऐप के अंदर ही हैं, इनको फोन के फीचर्स के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा. सो आपके अपने ही फिंगरप्रिंट्स या फेस आपके लिए एक सुरक्षा का काम करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दी अबव, जानिए कुछ और ऐसे मंत्र जिनको हर समय आप दिमाग में रखकर चलेंगे, सो आई एम श्योर यू विल बी सेफ. फर्स्ट, भूलकर किसी भी पब्लिक प्लेस, दुकानों में, शोरूम्स, मॉल्स एक्सेट्रा के ओपन खुले में लगाए हुए ये जो मोबाइल चार्जर्स हैं, इनसे अपने मोबाइल फोन्स को कभी चार्ज मत कीजिए, ना ही किसी प्रकार की USB केबल, डेटा केबल बिलोंगिंग टू एनी थर्ड पार्टी को आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में इंसर्ट कीजिए. दूसरा, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए, एज इन लाइक वाईफाई विच आर इंस्टॉल्ड एट एयरपोर्ट, स्टेशंस, होटेल्स और द कॉर्पोरेट्स,
make sure that you do not download any new app, any game, most importantly, किसी भी प्रकार की कोई financial transaction मत कीजिए. Next, virtual world अजनबियों से घिरा हुआ है. Social platform पर unknown लोगों की friend request को accept ना करें. भावनात्मक होकर लॉटरी, रिवॉर्ड पॉइंट्स, बैंक लोन, इनकम टैक्स रिफंड, इंश्योरेंस वगैरह के मैसेजेस और जो मेल्स आदि आते हैं उनको बिना पढ़े, बिना जांचे परखे आप किसी भी लिंक पर कभी भी क्लिक मत कीजिए. आप अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप को रेगुलरली अपडेट करते रहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा सुपर से भी ऊपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए. इनफैक्ट मेक इट अ लॉन्ग सेंटेंस और अ फ्रेज यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन द वर्ड्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई लव इंडिया @1947. ये एक एग्जाम्पल था सिर्फ. ये साइबर फाइनेंशियल लफड़ों में हम ब्रॉडली तीन तरह से फंस सकते हैं. पहला, हमारी अपनी ही कोई भूल, गलती, कोई टाइपो एरर, जल्दी जल्दी में किसी को गलत रॉन्ग अकाउंट नंबर या रॉन्ग मोबाइल नंबर पर पैसा भेज देना, पहला इंस्टेंस ये हो सकता है. दूसरा, हमारी नादानी, इनोसेंस, या सॉरी टू से इफ यू डोंट माइंड, किसी लालच या किसी झांसे में आकर हमारी अपनी ही बेवकूफी से हेस्टली हम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई OTP पासवर्ड शेयर कर देते हैं या कोई SMS या ईमेल पर भेजे हुए लिंक पर बिना जांचे परखे क्लिक कर देना. ये दूसरा इंस्टेंस है. और तीसरा केस, अनलाइक द अबव टू केसेस जहां हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, ये सबसे खतरनाक डेंजरस वाला केस है. एज एन इन विच विदाउट योर नॉलेज एनी क्लू दैट यू नो दैट योर मनी इज गेटिंग आउट, एज एन आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है. सो अब तीनों ही सिचुएशंस में कॉमन बात है, पैसा आपके हाथ से निकल गया. So now to deal with all such situations as in recovery के लिए, अपना पैसा वापस पाने के लिए क्या करना हो? I shall tell you in a very short and crisp manner the steps which we need to take. First of all, immediately, जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके UPI wallet में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो without wasting a single second, you just need to report this incident to the respective PSP, that is the payment service provider, like Paytm, PhonePe, वगैरह वगैरह जिनकी आपने ये services ली हैं. उनके customer support पर आपको जाना है, जिनके contact numbers आपको उन्हीं के respective app के homepage के ऊपर दिख जाएंगे. उसके बाद फॉलोड बाय एक पैरेलल रिपोर्टिंग, यू शुड डू इट टू योर बैंक, एज इन वो बैंक अकाउंट जिसमें से आपका ये UPI का फ्रॉड हुआ है या UPI का जो भी गड़बड़ हुआ है, उस केस में आप अपने बैंक को इत्तला कर रहे हैं. माय डियर व्यूअर्स, यहां आई विल जस्ट टेक अ पॉज एंड वुड जस्ट वांट टू टेल यू वेरी बेसिक फंडा. अगर यूपीआई से रिलेटेड कोई धोखाधड़ी, फ्रॉड आपके साथ हो जाए, तो इट इज नॉट योर बैंक बट इट इज द PSP, द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, एज इन द कंपनी जिसका वो वॉलेट है आपके पास, जैसे Paytm, गूगल पे, फोन पे एक्सेट्रा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेस. सो नाउ टू बी ऑन द सेफर साइड, आप अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करके अपने अकाउंट पर फ्रीज या होल्ड जरूर लगवा सकते हैं. यही इफ यू हैव बीन अ विक्टिम ऑफ अ UPI स्कैम, then you must report the fraud by calling on a government helpline number 1930, jidhar se ek ticket number generate hota hai, and then using this ticket number you can register your fraud with the government of India's national cyber crime reporting portal, which is www.cybercrime.gov.in. dhyan dene wali khas baat, RBI guidelines ke mutabik, if you report your fraud transaction within 3 days from the date of the fraudulent incident, then as a consumer, aapki zero liability hai. As in, aapka nuksan jo hai, that is, there is no such nuksan, aapko 100% aapki recovery hogi. Yahi agar aap delay karte hain, then your liability increases. And agar aap 7 din se upar chale jate hain, then you know what, bank is not even responsible for the recovery of your transaction. One more piece of information I would want to add here. हमारी भारत सरकार के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2020 में I4C, as in I से इंडियन, 4C बोले तो सी साइबर, सी क्राइम, सी कोऑर्डिनेशन, सी सेंटर, सो इट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर,
which is located in New Delhi, usko stapit kiya tha. Now this is the place, it is the headquarters of our country where all sorts of your cyber related issues, frauds, offences, crimes and losses are reported. Achha, viewers, if you are new to my channel, please subscribe because har hafte meri koshish rehti hai that I bring some knowledge bite that adds to your knowledge bank. इनफैक्ट मैंने यूपीआई क्या होता है इसके यूजेज को लेकर भी एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर करने जा रही हूँ. होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल बिकॉज इस वीडियो से क्या पता किसी को साइबर फ्रॉड का विक्टिम बनने से बचा सकते हैं. सो अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, गुड बाय फॉर नाउ एंड विल कैच अप नेक्स्ट वीक विद अ न्यू नॉलेज बाइट. Thank you.